अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेशी भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत होंगे। तो अफसर का जो नया अपडेट आया है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि किस तरह से हम अफसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना इकामा का एक्सपायरी डेट किस तरह से चेक कर सकते हैं, और हमारा जो पासपोर्ट होता है वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर कितना मुखालफा है, ट्रैफिक वायलेशन कितना है, आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फरमाइश आया था कि अफसर का जो पूरा सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है। सही में अफसर का जो पूरा सिस्टम था वो चेंज कर दिया गया। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप लोग पूरा डिटेल किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप लोग कहां कहां ट्रैवल किए हैं, पूरा डिटेल आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो तरीका था कुछ अलग था, अब पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया गया है और अफसर में बहुत सारे फीचर को ऐड किया गया है जो नया नया है, पहले नहीं था। तो चलिए चलते हैं मोबाइल डिस्प्ले पे और आपको दिखाता हूं किस तरह से अफसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, किस बात की देरी है, और बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले आप लोग अफसर पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने अफसर का यूजर नेम और पासवर्ड याद रखें और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट नंबर डाल दें या अफसर का यूजर नंबर डाल दें और नीचे पासवर्ड डाल दें। यहाँ पे यूज़र नेम नीचे पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक कोड आएगा जो भी अफसर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कोड आ चुका है, उस कोड को यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आप लोगों का अफसर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ये क्या है। अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपना डिटेल डालकर इसको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है क्योंकि हम लोग खुद मिस्कीन आदमी हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अपना डिटेल चेक करना चाहते हैं, इकामा का हो या पासपोर्ट का हो या ट्रैवल्स डिटेल्स हो, उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पे माय सर्विस पे क्लिक करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, माय सर्विस पे क्लिक करें। उसके बाद आप लोग यहाँ से डिजिटल कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद एक्टिवेट डिजिटल कार्ड पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद नीचे आकर यहाँ पे एक्टिवेट डिजिटल आईडी क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे लॉक मांगेगा, तो आप लोग लॉक लगाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम कैंसिल मारते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना डिटेल किस तरह से चेक कर सकते हैं, इकामा का हो या पासवर्ड को। तो यहाँ पर ऊपर जो प्रोफाइल का ये ऑप्शन है नाम, यहाँ पर क्लिक करें। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना पूरा डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर वापस चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद माय पासपोर्ट पे क्लिक करके आप लोग पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट कब बना और कब एक्सपायर होने वाला है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा माय इकामा, अगर इकामा का डिटेल चेक करना चाहते हैं तो माय इकामा पर क्लिक करें और यहाँ पे देख सकते हैं आपका इकामा किस तारीख को बना, किस तारीख को एक्सपायर होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा माय ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे शो होगा, नहीं है तो नहीं शो होगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। उसके बाद वापस आते, वापस आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं माई ट्रैवल रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने में कुछ इस तरह से आएगा, आप लोग सऊदी अरबिया आए थे तो किस देश होकर आए थे, यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं सऊदी अरबिया आया तो मेरा जो होल्ड था वो दुबई में था, यहाँ पे डिटेल दिखाई देता है, ये सही है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा फैमिली के बारे में, जो लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ पे माय फैमिली पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। जो लोग भी अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में रखे हैं यहाँ पर, वो अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके ऊपर कितना ग्रामा है, कितना फ़ाइन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है माय वायलेशन, यहाँ पे क्लिक करें गाड़ी के निशान पे, और यहाँ पे आप लोगों के ऊपर जो डिटेल होगा या कुछ भी होगा, फ़ाइन होगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन पे क्लिक करें, ट्रैफिक से जुड़ा हुआ जो भी डिटेल होगा यहाँ पे आप लोगों के सामने में शो हो जाएगा, आपने सिग्नल तोड़ा है या किसी के गाड़ी को ठोका है या आपके गाड़ी का कोई भी फ़ोटो कहीं भी लिया है, तो जो भी ग्रामा होगा यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जान सकते हैं जो भी वायलेशन आपने किया है, पैसा भरे या नहीं भरे, यहाँ पे पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।